वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल समा अकेडमी। समा अकेडमी में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम क्लास 8th का सब्जेक्ट इंग्लिश मॉडल पेपर की बात कर रहे हैं, यानी एलिमेंट्री एजुकेशन कमीशन सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन 2021-22 के बारे में बात कर रहे हैं। क्लास 8th सब्जेक्ट इंग्लिश, जो कि आपका 80 मार्क्स का रहने वाला है, और टाइम जो है पीरियड रहेगा वो 2.5 घंटे रहेगा। इंस्ट्रक्शन, दिस पेपर इज डिवाइडेड इन 4 सेक्शंस, ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। फर्स्ट क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग, यानी 1 से 20 जो क्वेश्चन है वो प्रत्येक एक एक मार्क्स के हैं। तो मैं क्षमा चाहता हूँ कि अभी जो कुछ दिनों से वीडियो अपलोड नहीं कर पाया किसी कारणवश, तो अब कंटिन्यू जारी रहेंगे। बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की, हु वाज इग्निशियस, यानी जो है वो कौन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, मैनेजर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो आंसर इज ए इज करेक्ट। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, हाउ वाज टिली फॉरवर्ड। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा, बिकॉज ऑफ हर जियोग्राफी लेसन। ऑप्शन ए इज करेक्ट। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, हु वाज संजीव, यानी संजीव कौन है। तो संजीव एक है पुलिसमैन। ऑप्शन सी इज करेक्ट। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, द क्रिसमस सेलिब्रेशंस वर इनिशिएटेड बाय। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा, बी द जर्मन्स। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जिम्स फर्स्ट रिएक्शन ऑफ द हैप्पी क्रिसमस बाय द जर्मन्स वाज वन ऑफ। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा, बी यानी सरप्राइज। तो राइट आंसर इज बी सरप्राइज। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, स्नैप्स इज, तो इसका जो राइट आंसर है वो जाएगा, बी ए जर्मन वाइन। यानी जो एक ये वर्ड दिया गया है स्नैप्स, तो इसका क्या चीज है, ये जर्मन वाइन है। बात करते हैं नेक्स्ट, द अर्थ हैज मोर। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा डी सी और लैंड। यानी राइट आंसर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट बात करते हैं, व्हाट वाज द लॉजिक ऑफ ज्योग्राफी, तो इसका जो राइट आंसर है वो जाएगा ए, यानी लैंड एंड वाटर अफेक्टेड मैन। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 सीम्ड इन इनिवेटिवली अबाउट व्हाट ऑन ग्राउंड हैड लुक्ड हैफजर्ड, व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड इनविलेबिलिटी। यानी इसका अर्थ क्या है, तो इसका जो राइट आंसर है वो जाएगा, विदाउट प्लान और ऑर्डर। यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 10, बिटवीन 1822 एंड 1836 पीपल डाइड ऑफ स्टारवेशन इन इंडिया। यानी 1822 से लेकर 1836 के अंदर कितने भूख से जो लोग मर गए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 लाख। ऑप्शन बी इज करेक्ट, यानी 15 लाख्स लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, What did the British impose on the Indian farmers? यानी उनके ऊपर क्या लगा दिया गया था, तो heavy taxes। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12, What was the value of British goods exported to India in 1829? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है 7 crores। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की, जोडीज मदर हेल्ड द कॉफी पॉट इन मिड एयर, इट शोज दैट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ए सी हैज टर्न एट द वर्ड जोडी ही सेड। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं, जोडी वाज वरीड अबाउट, यानी जोड़ी है वो क्यों चिंतित होता है, किसके बारे में चिंतित होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, द फैन। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15, हु किल्ड द एजेंट ऑफ हिज रेजिमेंट। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा बी, यानी मंगल पांडे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की, बिपिन बाबू डिडंट वांट टू विजिट मिस्टर मुखर्जी बिकॉज।
तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा सी, मुखर्जी वुड कंक्लूड ही वॉज गोइंग नट्स। ऑप्शन सी इज करेक्ट। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 की। हुद्रू फॉल्स आर इन, यानी हुद्रू फॉल्स कहां पर स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी, रांची के अंदर, रांची में। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। द मैन लुक्ड सरप्राइज्ड बिकॉज। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए, ही वॉज एक्टिंग टू कन्विंस बिपिन बाबू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट बात करते हैं, यानी एक पैराग्राफ यानी पैसेज दिया गया है। वेरी स्ट्रेंज, ऑन इवनिंग आई हैड टी विद यू इन वरांडा ऑफ बंगलो, यू स्पोक अबाउट योर फैमिली, ही सैड यू हैड चिल्ड्रन एंड दैट यू हैड लॉस्ट योर वाइफ ईयर्स अगो, 10 years ago। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है इन फैक्ट इट वॉज नॉट स्ट्रेंज बिकॉज। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है द स्पीकर वॉज लाइंग, यानी स्पीकर क्या कर रहा है, झूठ बोल रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। क्वेश्चन नंबर 20, द फैक्ट्स अबाउट द फैमिली गिवन हेयर आर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा राइट, यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट है अरेंज द फ्लोइंग वर्ड्स टू मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस, यानी शब्दों को अरेंज करते हुए मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। तो पहला क्वेश्चन है पोटैटो, फिर ऑब्लिक ए, ऑब्लिक ई, ऑब्लिक वेजिटेबल। तो इसका जो राइट आंसर यानी सही को अरेंज करके लिखेंगे तो हो जाएगा पोटैटो इज ए वेजिटेबल। नेक्स्ट ओनली आपको इसको रीअरेंज करना है। दूसरा है क्राइंग बेबी इज द, तो द बेबी इज क्राइंग। नेक्स्ट है स्कूल गो स्टूडेंट टू, तो स्टूडेंट्स गो टू स्कूल। यानी इनको सिर्फ आपको क्या करना है, रीअरेंज करना है, यानी ओब्लिक को हटा के रीअरेंज करना है शब्दों को। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट वर्ड्स, यानी फिल इन द ब्लैंक्स यानी जो खाली ब्लैंक्स दिए गए हैं वहां पे आपको करेक्ट वर्ब का यूज करना है। महाराणा प्रताप वो स्पेस किंग, ब्रेव और ब्रेवरी में से यूज करना है। तो महाराणा जो प्रताप है वो क्या थे, ब्रेव किंग थे। कमलेश इज कॉर्ज बॉय या क्रेजियस बॉय, तो कॉर्जियस बॉय। नेक्स्ट बात करते हैं दिस इज स्पेस इंपॉर्टेंट, यानी सॉरी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट या इंपॉर्टेंस, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट है चेंज द फ्लोइंग सेंटेंसेज इनटू पैसिव वॉइस, यानी पैसिव वॉइस में इसको क्या करना है, चेंज करना है, कन्वर्ट करना है। ही सिंग्स ए सॉन्ग, तो इसका जो पैसिव वॉइस में सॉन्ग चेंज करेंगे तो सब्जेक्ट का क्या हो जाता है, यानी सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो कैसे लिखते हैं इनको, चेंज करते हैं तो ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट, तो ए सॉन्ग इज संग बाई हिम। नेक्स्ट है महेश सेल्स बनानास, तो बनानास आर सोल्ड बाई महेश। विवेक ओपन्ड द डोर, तो द डोर वाज ओपन्ड बाई विवेक। नेक्स्ट है द पियोन रंग द बेल, द पियोन रंग द बेल, तो द बेल वॉज रंग बाई द पियोन। ये है पैसिव वॉइस। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन आंसर की। What job did Hans Wolf and Jim McPherson have when they were not soldiers? तो इसका जो राइट आंसर है वो है बिफोर ज्वाइनिंग आर्मी हंस वॉल्फ प्लेड द सेलो इन द ऑर्केस्ट्रा एंड जिम मैकफर्सन ए स्कूल टीचर इन डॉर्सेट। यानी वो पहले, इससे पहले वो क्या करते थे, तो उनको अपने अपने कार्य बताए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। द क्रिकेट सेज ओ व्हाट विल बिकम ऑफ मी, व्हेन डज ही से इट एंड व्हाई। तो द क्रिकेट स्पीक्स दीज वर्ड्स व्हेन इन हिज होम ही फाइंड्स टू फूड टू ईट इन विंटर। यानी क्रिकेट है वो, उसके बारे में बता रहे हैं, झुंगूर के बारे में। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। व्हाई डिड टिलीज फैमिली कम टू थाईलैंड, यानी टिली की फैमिली थाईलैंड क्यों आई।
तो द टिलीज फैमिली हैड कम टू थाईलैंड टू सेलिब्रेट क्रिसमस, यानी क्रिसमस को सेलिब्रेट करने के लिए आए। इन वट वेज डिड द ब्रिटिश ऑफिसर्स एक्सप्लॉइट इंडियंस, द ब्रिटिश ऑफिसर्स एक्सप्लॉइट इंडियंस इन मेनी वेज, यानी कई तरीकों से उनके ऊपर क्या लगा दिए गए थे, टैक्सेस लगा दिए थे गए थे। दे इम्पोज्ड हैवी टैक्सेस ऑन सोल्जर्स फॉर इंडियन फार्मर्स एंड रिड्यूस्ड इम्पोर्टेंट ड्यूटी, और इनके जो इम्पोर्ट जो ड्यूटी थी उसको क्या कर दिया गया, घटा दिया गया था, रिड्यूस कर दिया गया था, ऑन गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इन इंग्लैंड एंड इम्पोर्टेड टू इंडिया। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। Why did Bipin Babu hesitate to visit Mr. Mukherjee? Why did the family decide to phone him? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है Bipin Babu hesitated to visit Mr. Dinesh Mukherjee because he was afraid of the ruthless scams would he have to face. He felt that if his whole story about Ranchi was false, then Mukherjee would think that he had gone insane being constantly troubled by the incident at the bookshop and having no other means for verifying the claims of Premal Ghosh. Bipin Babu finally decided to ask Mr. Mukherjee, however he decided to phone him because that way his embarrassment wouldn't be visible to the latter. Next baat karte hain question number 17 ki. Question number 17. The old man offered the speaker a lot of money. Yani old man ne offer diya ek speaker ko lot of money ka. Why did he turn down the offer? The old man offered the speaker a lot of money. However, he turned down because he realized that money could not give him what he actually desires. He had not till then realized that what he actually desired was happiness. When the old man was counting the gold coins, the speaker realized that once the money was finished to the work the old man wanted to hire him for was done, he would again be out of work. More than that, he would be wound in this bargain. It did not satisfy him and therefore he turned it down. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट वाज इट अबाउट माउंट एवरेस्ट द ऑथर फाउंड इरेस्टिबल। माउंट एवरेस्ट अट्रैक्टेड दैट ऑथर बिकॉज इट इज द हाईएस्ट, द मिडेस्ट एंड द डिफाइड मेनी प्रीवियस अटेम्प्ट्स। इट लाइक्स लास्ट वंस ऑफ द एनर्जी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, इमेजिन यू आर रामू फ्रॉम लालपुर झुंझुनू, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड डिस्क्राइबिंग ए विजिट टू सम पैलेस ऑफ हिस्टोरिकल इंटरेस्ट ड्यूरिंग द हॉलीडेज। यानी एक प्लान बना रहे हैं किसके लिए, सम वन पैलेस यानी किसी स्थान के लिए, हिस्टोरिकल इंटरेस्ट जो ऐतिहासिक चीज़ें हैं हॉलीडेज में देखने के लिए। तो आपको यहाँ पे जो नाम दिया हुआ आपको मिलेगा वही आपको यहाँ लिखना है। जैसे मैंने लिखा है 155B ग्रीन इंक्लेव सिटी अप्रैल 16, 2022 डियर समीर। तो आपको क्या करना है, एक लेटर राइट करना है। क्या करना है, एक लेटर लिखना है। आई होप दिस लेटर फाइंड्स यू इन ए फेटल। आई एम राइटिंग टू यू शेयर माई जॉयस एक्सपीरियंस ट्रिप जयपुर विद माई फैमिली। यानी जो अपनी फैमिली के साथ जयपुर में जो बिताए हुए एक्सपीरियंस है, अनुभव है, उनको वो शेयर कर रहा है। तो माई फ्रेंड्स हैड प्लान टू ए ट्रिप टू ऑन 10 अप्रैल। द लाइफ हैड बिकम ऑल्सो मोनोटोनस लिविंग एट होम एंड फॉलोइंग द रूटीन ऑफ गोइंग टू स्कूल।
वो कह रहा है यानी जो मोनोटोनस जो लिविंग जो उनकी लाइफ है, यानी स्कूल जाके स्टडी करके एंड प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम्स कर करके, वी वेंट टू जयपुर बाई प्लान, एक प्लान बनाया जयपुर के यानी घूमने के लिए, यानी अब वो क्या हो चुके हैं, यानी जिनके एग्जाम से फ्री हो चुके हैं तो घूमने जाने का प्लान बना रहे हैं। तो इट इज़ वंडरफुल सिटी विद सो मैनी अट्रैक्शन सच एज आमेर फोर्ट, नाहरगढ़ फोर्ट, सिटी पैलेस, जल महल, हवा महल, गलताजी टेम्पल, सिसोदिया रानी गार्डन, सेंट्रल पार्क, जंतर मंतर, ETC, यानी जयपुर के अंदर जितने भी हिस्टोरिकल प्लेसेज हैं उनको आपको इसमें मेंशन करना है। फिर नेक्स्ट है, आई विल सी ऑल ऑफ देम द राजस्थानी क्विजिन्स और इट वेरी पैलेटेबल। आई टेस्टेड एज मैनी डिशेज, और मैंने वहाँ पे बहुत सारी डिशेज का भी टेस्ट किया, यानी जब वहाँ घूमने गए तो इसके बारे में आपको क्या करना है, एक लेटर राइट करना है, यानी जितने भी उन वहाँ पे जो स्थान है, जो देखने योग्य स्थान है, उन सबको मेंशन करना है। योर्स अफेक्शनेटली कर्न या फिर कोई अदर नाम आपको क्या करना है इसके अंदर, लेटर के अंदर, यानी जो जयपुर के अंदर जितने भी हिस्टोरिकल प्लेसेज हैं, देखने लायक जो चीज़ें हैं, उनको इसमें लेटर के अंदर मेंशन करना है। नेक्स्ट बात करते हैं, राइट एन एप्लीकेशन फॉर 2 days लीव टू द हेड मास्टर ऑफ योर स्कूल एज यू आर अनएबल टू अटेंड स्कूल बिकॉज ऑफ वायरल फीवर, यानी वायरल फीवर के बारे में आपको एक एप्लीकेशन लिखनी है टू द हेड मास्टर जयपुर, रिस्पेक्टेड सर, सब्जेक्ट है रिक्वेस्ट फॉर सिक लीव, यानी सिक लीव यानी को बीमार उसके लिए छुट्टी। तो आई एम स्टूडेंट ऑफ 8th class A रोल नंबर 4, आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम वायरल फीवर, यानी किससे पीड़ित है, वायरल फीवर से पीड़ित है फॉर द पास्ट 2 days, यानी 2 दिनों से। हैंस आई विल बी अनएबल टू अटेंड स्कूल फॉर सम डेज, आई रिक्वेस्ट यू ग्रांट मी सिक लीव फॉर ए वीक या फिर 2 days, काइंडली ग्रांट मी लीव फ्रॉम 20th January टू 17th January, माई मेडिकल रिपोर्ट इज अटैच विद द एप्लीकेशन, और मेरी मेडिकल रिपोर्ट भी इसके साथ में अटैच की हुई है। आई शैल बी एक्सट्रीमली ग्रेटफुल इफ यू अप्रूव माई लीव फॉर द अबोव मेंशन डेट्स, थैंकिंग यू योर सिंसियरली पंकज वर्मा। तो आपको यानी 1 हफ्ते की या 2 days की जितने भी आपको लीव चाहिए उसके लिए आपको एक एप्लीकेशन टाइप करनी लिखनी है। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, राइट ए शॉर्ट पैराग्राफ ऑफ अबाउट 100 words ए पिकनिक, एक पिकनिक के बारे में आपको 100 words का पैराग्राफ लिखना है जिसमें इन शब्दों को मेंशन करना है, वेदर, डिसाइडेड, गो पिकनिक, नियर द कैनाल, परचेज्ड, स्वीट्स, टी, फूड, प्लेट, सॉन्ग्स, रिटर्न, यानी इन शब्दों को मेंशन करते हुए। तो ए पिकनिक इज ए चेंज ऑफ आवर डेली लाइफ, यानी पिकनिक से अपनी डेली लाइफ को क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। इट वॉज संडे, यानी संडे था, द वेदर वॉज वेरी फाइन, और जो मौसम भी क्या था, अच्छा था, सुहावना था। देर वॉज क्लाउड्स इन द स्काई, और आसमान में क्या थे, बादल भी थे। आवर फ्रेंड्स डिसाइडेड टू गो फॉर ए पिकनिक नियर द कैनाल, और मेरे दोस्तों ने हमने क्या किया, कैनाल के पास में पिकनिक बनाने पे जाने का निश्चय किया। वी वेंट टू मार्केट, हम मार्केट गए। वी परचेज स्वीट्स, और वहाँ से हमने मिठाइयाँ खरीदी, बिस्किट्स, फ्रीट्स, नमकीन, ETC, यानी ये चीज़ें खरीदी। वी स्टार्टेड ऑन आवर बाइसाइकिल, और हमने शुरू है वो किससे किया, हमारी साइकिलों से। वी रीच द कैनाल, और हम वहाँ पहुँच गए कैनाल पे। वी टूक रेस्ट, और हमने वहाँ पे आराम किया फॉर सम टाइम। वी प्रीपेयर टी, और फिर हमने चाय बनाई। वी प्लेड कबड्डी, और हमने कबड्डी खेली फॉर अबाउट एन आवर, लगभग 1 घंटे तक। वी बाथ इन द कैनाल, और फिर हम वहाँ पे बाथिंग की कैनाल में। नेक्स्ट, वी वर हंग्री, वी टुक फूड टुगेदर, वी सैंग सॉन्ग्स इन द इवनिंग, द रिटर्न होम वी वर हैप्पी, और हम वहाँ पे हमने गीत भी गाए, यानी गाने भी गाए इन द इवनिंग द रिटर्न होम, और शाम को वापस लौट आए, वी वर हैप्पी, हम बहुत खुश हुए। ये है एक पैराग्राफ, यानी लगभग 100 words में लिखना होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, राइट ए स्टोरी इन अबाउट
योर हैंड 100 वर्ड्स विद द हेल्प ऑफ गिवन आउटलाइंस, यानी ए हंग्री फॉक्स एंड ए क्रो के बारे में आपको एक स्टोरी लिखनी है जिसके आपको आउटलाइन दी गई है। ये आपकी जो दी गई ये क्या है, आउटलाइन दी गई है। वंस अपॉन ए टाइम देर वॉज ए फॉक्स, एक बार एक लोमड़ी थी। ही वॉज हैंग्री, वह बहुत भूखी थी। ही वॉज इन सर्च ऑफ फूड, वह खाने की तलाश में थी। ही सा ए क्रो सिटिंग इन ए ट्री, और उसने देखा यानी उसने देखा एक क्रो यानी कौआ सिटिंग इन ट्री, ट्री पे बैठा हुआ है। द क्रो हैड ए पीस ऑफ ब्रेड इन बीक्स, और कौए की चोंच में क्या था, ब्रेड का टुकड़ा था। द फॉक्स वॉन्टेड टू गेट द पीस ऑफ ब्रेड, और वह लोमड़ी है द फॉक्स है वो क्या चाहती थी, उस ब्रेड का टुकड़ा को चाहती थी। ही थॉट ऑफ ए प्लान, उसने एक प्लान सोचा। ही सेड टू द क्रो यानी क्रो से कहा, यू हैव वेरी स्वीट वॉइस यानी तुम्हारी आवाज़ बहुत अच्छी है। यू कैन यू सिंग ए सॉन्ग फॉर मी, क्या तुम मेरे लिए गाना गा सकते हो। द क्रो ओपन इट्स बीक, तो क्रो ने जैसे ही अपनी चोंच को खोला, द पीस ऑफ ब्रेड फेल डाउन, जो टुकड़ा था ब्रेड का वो नीचे गिर गया। द फॉक्स पिक्ड इट अप, और फॉक्स ने उसको उठा लिया। एट इट एंड रन अवे, यानी वह फिर वहाँ से उसको भाग गई। तो मोरल क्या है, बीवेयर ऑफ द फ्लैटर्स, यानी चापलूसों से क्या रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं, तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अभी तक पीछे वाले जो आपने मॉडल पेपर फर्स्ट और सेकंड अभी तक नहीं देखे हैं तो वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए गए हैं, वहाँ पर जाके आप देख सकते हैं। और इसको प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएँ ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए।